दोस्तों, कजाकिस्तान एक बहुत ही खूबसूरत मुसलमान देश है और यहाँ की लगभग 70% आबादी इस्लाम धर्म को मानते हैं। लेकिन फिर भी ये देश दुनिया के दूसरे मुसलमान देशों से काफी अलग है और यहाँ पे कोई भी धर्मीय स्थान, यहाँ तक कि मस्जिद बनाने से पहले भी सरकारी अथॉरिटी का परमिशन लगता है। तो आज मैं बताने वाला हूँ कजाकिस्तान के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपको काफी हैरान कर सकती है। दोस्तों, कजाकिस्तान रशिया के पूरब में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत और विकसित देश है जिसका आधा हिस्सा यूरोप और आधा हिस्सा एशिया में आता है। कजाकिस्तान शिक्षा और साइंस और टेक्नोलॉजी में किसी भी अन्य मुसलमान देशों से काफी अच्छा माना जाता है। क्षेत्रफल के तरफ से यह दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान देश है और यह इतना बड़ा है कि अगर पूर्वी यूरोप को पूरा मिला दिया जाए तो भी कजाकिस्तान के आगे छोटा पड़ सकता है। कजाकिस्तान रशिया बॉर्डर दो देशों के बीच आने वाली दुनिया का दूसरा सबसे लंबा बॉर्डर है। कजाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें बंजर और सूखा है, लेकिन यहाँ पे मिलने वाली खनिज तेल और यूरेनियम की कीमत लोगों का होश उड़ा सकता है। 1990 के दशक में यहाँ की राजधानी अस्ताना एक बंजर शहर मानी जाती थी, लेकिन आज के दिनों में अस्ताना दुनिया के सबसे विकसित शहरों में से एक माना जाता है। दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा स्पेस सेंटर कजाकिस्तान में मौजूद है और रशिया अपनी ज्यादातर सैटेलाइट कजाकिस्तान के द्वारा ही भेजती है। एक बात शायद आपको हैरान कर सकती है कि कजाकिस्तान का राष्ट्रीय ड्रिंक घोड़े का दूध को बनाया गया। कजाकिस्तान का नाम दुनिया के उन चंद देशों में आता है जहाँ लड़कियों की मात्रा लड़कों से काफी अधिक है और यहाँ की लड़कियाँ काफी खूबसूरत, मॉडर्न और स्टाइलिश होती है। यहाँ पे महिलाओं को काफी सुविधा और सम्मान दिया जाता है। यही कारण है कि यहाँ की महिलाएं साइंस और टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर पाई हैं। यहाँ की काफी सारी खूबसूरत महिलाएं यहाँ के सैनिक बल में बाखूबी काम करती हैं। घोड़े चलाना कजाकिस्तान के संस्कृति का एक हिस्सा माना जाता है। कजाकिस्तान की धरती में इतनी मात्रा में तेल मौजूद है कि वो मिडिल ईस्ट के किसी भी देश से लगभग 2 गुना से भी अधिक हो सकता है। कजाकिस्तान के पैसे का एक बड़ा हिस्सा यहाँ पे यूरेनियम उत्पादन के द्वारा आता है और यह दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक है। प्राचीन समय का सबसे मशहूर रोड सिल्क रोड कजाकिस्तान होकर गुजरता है और यहाँ के काफी सारे लोग चेंगिस खां के वंशधर माने जाते हैं। कजाकिस्तान में ज्यादातर कजक संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन कजक के अलावा भी यहाँ पे कुल 130 से भी अधिक जाति के लोग रहते हैं। दुनिया का सबसे लंबा चिमनी कजाकिस्तान में मौजूद है जो कि 1987 में बनाया गया था। कजाकिस्तान में पानी के नीचे एक जंगल मौजूद है जो कि एक समय के दौरान भूकंप की वजह से नीचे दब गया था। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें।